अब गाइज लैपटॉप तो हम सभी यूज़ करते हैं, पर लैपटॉप में शुरू से एक प्रॉब्लम ये रही है कि हमारे लैपटॉप का जो स्पीकर होता है वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं होता है, जिस वजह से गाइज हमें कभी कभार काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ईयरफोन और हेडफोन लेकर चलना पड़ता है कि जब भी हमें कोई वीडियो देखना हो या फिर ऑडियो सुनना हो तो हमें हेडफोन और ईयरफोन लगाना पड़ते हैं। पर गाइज अब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप यहाँ पर अपने लैपटॉप के स्पीकर को लाउड बना सकते हो और 400% तक आपके लैपटॉप का स्पीकर लाउड हो जाएगा। ऐसा दो मेथड बताने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं हमारे पहले मेथड से। जो हमारा पहला मेथड है गाइज वो है ऑफलाइन मेथड। अब ऑफलाइन मेथड गाइज क्या है कि भाई आप जब इंटरनेट पर नहीं हो या फिर ब्राउजर यूज नहीं कर रहे हो तो जब हम अपने आवाज या फिर स्पीकर को लाउड कैसे करेंगे, तो गाइज उसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा VLC मीडिया प्लेयर। अब VLC मीडिया प्लेयर एक ऐसा मीडिया प्लेयर है जहाँ पर ऑडियो भी चल जाता है, आपका वीडियो भी चल जाता है। तो गाइज VLC मीडिया प्लेयर में एक सेटिंग होती है जिससे कि गाइज आप अपने स्पीकर को लाउड कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज आपको VLC मीडिया को यहाँ पर ओपन करना है, मैंने ये कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो है कंट्रोल प्लस पी। आप प्रेस करोगे तो गाइज आपके सामने कुछ ऐसा टैब आएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा शो ऑल सेटिंग, सबसे नीचे दिखेगा आपको कॉर्नर में, तो उसको आपको यस पे क्लिक करना है। उसके ऊपर गाइज आपको यहाँ पर एक सर्च बार आएगा, सर्च बार में गाइज यहाँ पर आपको सर्च करना है मैक्सिमम वॉल्यूम। यहाँ पर टाइप करोगे तो गाइज एक नीचे आपको देखेगा क्यूटी नाम पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको साइड में देखना है और यहाँ पर स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा मैक्सिमम वॉल्यूम डिस्प्ले, ये होगा 125 पे सेट, तो उसको आपको यहाँ से हटा के 300 कर देना है, यानी 125 को यहाँ पर 300 कर देना है, जिससे ये होगा गाइज कि आप यहाँ पर अपनी जो वॉल्यूम है उसको 3 गुना तक बढ़ा सकते हो, यानी आपका वॉल्यूम है ना जो स्पीकर का वो यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा लाउड हो जाएगा। अब गाइज ये करने के बाद आपको एक बार VLC मीडिया को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद गाइज आप देखोगे कि यहाँ पर पहले जो 125 तक वॉल्यूम हो रहा था वो अब यहाँ पर 300% तक हो रहा है। और गाइज ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आप यूज़ करके देखना, वीडियो चला के देखना, आपको सेम यहाँ पर आवाज़ गेन मिलेगी और ऑडियो गेन मिलेगा। तो गाइज ये था हमारा ऑफलाइन मेथड इसलिए है क्योंकि इसके लिए कोई इंटरनेट नहीं लग रहा है, आप इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो, ऑफलाइन कोई मूवी देख रहे हो या फिर ऑडियो सुन रहे हो, तो गाइज आप VLC मीडिया की ये छोटी सी सेटिंग कर सकते हो। अब चलते हैं गाइज हमारे सेकंड मेथड पे। अब ऑफलाइन मेथड तो गाइज मैंने आपको बता दिया है कि आप VLC मीडिया की छोटी सी सेटिंग कर सकते हो और आपकी जो स्पीकर की आवाज है वो लाउड हो जाएगी। पर ऑनलाइन गाइज क्या करेंगे, ऑनलाइन जब हम नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हैं या फिर हम यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, प्राइम पर कोई मूवी देख रहे हैं, तो जब हम अपने स्पीकर को लाउड कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा ट्रिक है गाइज, आपको यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको जाना है, यहाँ पर सर्च करना है क्रोम एक्सटेंशन गाइस यहाँ पर आ जाएगी, यानी वेबसाइट आपको ओपन करनी है। यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर यहाँ सर्च करोगे तो गाइस ये एक छोटी सी एक्सटेंशन आएगी, इसको आप एड टू क्रोम पे क्लिक कर लेना जिससे कि आपकी ये क्रोम में ऐड हो जाएगी। उसके बाद गाइस आप देखोगे कि तो टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक्सटेंशन पर जाना है और इसको पिन पर क्लिक कर देना है। अब जब भी गाइस आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, जैसे एग्जांपल के यहाँ पर मैंने अपनी एक वीडियो चलाई है, अब गाइस इसकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वॉल्यूम आ चुका है, इसको मैं 600% तक इंक्रीज कर सकता हूँ, तो आप सोच सकते हो कि आवाज़ 6 गुना तक बढ़ सकती है। तो गाइस इसलिए गाइस यानी क्रोम एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, या आपके नेटफ्लिक्स पे भी काम करेगी, यूट्यूब पर भी काम करेगी, प्राइम पर भी काम करेगी, या फिर ऑनलाइन कोई भी वीडियो आप देख रहे हो किसी वेबसाइट पे, सब पे ये काम करेगी। तो होपफुली गाइस आपको ये दो ट्रिक समझ आई होगी और दोनों मेथड आपको अच्छे लगे होंगे। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो और अपनी लैपटॉप के स्पीकर को काफी ज्यादा लाउड बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आने वाले टाइम पे और ऐसी वीडियोस आएगी तो उसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।